यहां तक वी हैव रिटन। अगला एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। एनर्जी इज अब्सॉर्ब ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन ऑफ सूटेबल एनर्जी। इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन ऑफ सूटेबल एनर्जी। ठीक है, तो कहने का मतलब है, सपोज दिस इज न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन का लोअर एनर्जी लेवल, ये इलेक्ट्रॉन का हाइयर एनर्जी लेवल, तीन बना लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां चला जाएगा, ठीक है, अगर जाएगा तो जाने के लिए उसको क्या चाहिए होगा, एक सूटेबल एनर्जी का फोटोन चाहिए होगा, है ना। सूटेबल एनर्जी का फोटोन होगा तभी वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली एनर्जी को क्या करेगा, अब्सॉर्ब, और चूंकि एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा तो यहां पर जो स्पेक्ट्रम दिखेगा दैट विल बी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसका जस्ट उल्टा, एनर्जी इज एमिटेड ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। इन द फॉर्म ऑफ, अगेन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, फोटॉन। इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, ठीक है। इसमें कहने इसका क्या कहने का मतलब है, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा, ये हायर एनर्जी लेवल है, हायर एनर्जी लेवल से नीचे के एनर्जी लेवल पर अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो साथ में ये क्या इमिट कर जाएगा, फोटॉन। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम क्या बुलाएंगे, चूंकि एनर्जी एमिट हो रही है, दिस विल गिव यू एमिशन स्पेक्ट्रम। इट विल गिव यू एमिशन स्पेक्ट्रम। लास्ट वन इसका, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड, एनर्जी एब्सॉर्ब्ड और एमिटेड ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, एनर्जी एब्सॉर्ब्ड और एमिटेड ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय ठीक है, तो इसको लिखो, एनर्जी एब्सॉर्ब और एनर्जी एमिटेड विल गिवन बाय एनर्जी एट हायर लेवल माइनस एनर्जी एट लोअर लेवल। एनर्जी ऑफ हायर लेवल माइनस एनर्जी ऑफ लोअर लेवल।
उसको ढंग से बना लेंगे हम। तो कहने का मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन एन इक्वल्स टू वन से एन इक्वल्स टू टू या फिर एन इक्वल्स टू थ्री पर जाएगा तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और अगर उल्टा हुआ तो एन इक्वल्स टू थ्री से इलेक्ट्रॉन या तो एन इक्वल्स टू टू या फिर एन इक्वल्स टू वन पर आएगा तो कैसा स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये सेकेंड की कहानी, नो चेंज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द टाइम इन द अलाउड एनर्जी लेवल। थर्ड, यहां से चीजें शुरू होती है सही वाली, ओनली दो सर्कुलर पार्ट्स आर अलाउड, ओनली दो सर्कुलर paths are allowed in which angular momentum of electron is integral multiple of h upon 2 pi। 12 वालों को तो पता ही होगा, 11 वालों को मैंने वेक्टर में पढ़ा दिया है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस एम वी। ओनली दो सर्कुलर पाथ्स आर अलाउड इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मैथमेटिकली। एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय एम वी आर, दिस शुड बी इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ। एन कैन बी 1, 2, 3, 4 ऐसा करते करते कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब है एन का वैल्यू क्या होना चाहिए, इंटीग्रल है ना, सारे नेचुरल नंबर, जीरो नहीं हो सकता। नाउ दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय एम वी आर एन इंटू एच क्रॉस। Where H cross is equals to H upon 2 pi. Since, एंगुलर मोमेंटम का एक फिक्स्ड ही वैल्यू हो सकता है। फिक्स्ड वैल्यू कैसे होगा, क्योंकि एन को हमने क्या कर दिया है, फिक्स्ड 1, 2, 3, 4। दैट्स व्हाई वी आल्सो से दैट, इन्होंने क्या बोल कर गए, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। इसके पहले हमने क्वांटाइज्ड वर्ड कहां पढ़ा था, फोटोन के लिए।
एच म्यू है ना, यहां पर क्या पढ़ा, एन इंटू एच अपॉन टू पाई, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड मतलब फिक्स्ड है पैकेट, या तो एन वन होगा या तो टू होगा या तो थ्री होगा, और कोई वैल्यूज नहीं ले पाएगा। तो यहां पर एग्जाम्पल से लिखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम क्या क्या हो सकता है। तो एंगुलर मोमेंटम विल बी वन इंटू एच अपॉन टू पाए, एंगुलर मोमेंटम कैन बी टू इंटू एच अपॉन टू पाए, एंगुलर मोमेंटम कैन बी थ्री इंटू एच अपॉन टू पाए, ठीक है। बट क्या नहीं हो सकता है, एंगुलर मोमेंटम कैन नॉट बी 0.5 एच अपॉन टू पाई। ध्यान रखना इधर क्या लिखा हुआ है, एच अपॉन टू पाई, एंगुलर मोमेंटम कैन नॉट बी 1.5 एच अपॉन टू पाई। क्वेश्चन लिखो, चेक द पॉसिबिलिटीज, बताओ ये हो सकता है या नहीं, है ना। ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, एम वी आर। चेक करके बताइए कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, बोलिए। पहला वाला पॉसिबल है, दूसरा वाला पॉसिबल है, वन पॉइंट फाइव कैन बी रिटन एज थ्री बाई टू, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, टू कैन बी रिटन एज फोर बाई टू, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ऑल आर पॉसिबल। रेडियस ऑफ बोर्ड्स ऑर्बिट, ये सब क्लास 11 क्लास 12 दोनों के सिलेबस में है, ठीक है। रेडियस ऑफ बोर्ड्स ऑर्बिट, पहुंच गया वहां तक, ठीक है। तो क्लास 12 का जिनका भी है प्लीज आप न्यूक्लियाई वाला चैप्टर पढ़ना शुरू कर लीजिएगा, और कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस तक है, वहां तक पढ़ाकर फिर अलग कर लेंगे हम। तो रेडियो रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट, ठीक है। तो रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट करने के लिए सबसे पहले कुछ चीजें हैं जो जाननी होंगी, वो लिखनी होंगी, वो क्या, वी हैव टू कंसिडर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, ये तो पहले ही मैंने आपको लिखा दिया था, बोर्स वाला किसके लिए, थ्योरी किसके लिए वैलिड है, हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, दोनों का मतलब मैंने आपको लिखा दिया था। कंसिडर एच लाइक स्पीशीज हैविंग एटॉमिक नंबर जेड, बेटा एटॉमिक नंबर अगर जेड है तो क्लास 9 वाले ज्ञान से क्या पता चलता है हमें,
नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? सेट। और उसी क्लास 9 वाले ज्ञान से ये क्या बता जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? बोलिए। जेड। यही यही इसी का तो वेट कर रहे थे कि जेड। अरे बेटा हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है तो एक ही होगा ना इलेक्ट्रॉन। तो मूर्ख की तरह बात करते हैं आप लोग। बोर क्या बोल के गए, कैसा ऑर्बिट होगा? सर्कुलर। तो बनाइए सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट में बीच में कौन बैठा है? न्यूक्लियस। तो बनाइए उसको, मार्क कीजिए न्यूक्लियस। इस ऑर्बिट में कौन चक्कर काट रहा होगा? इलेक्ट्रॉन। तो लिखिए वहां इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखिए, क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियस का चार्ज लिखिए, क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। अब काम की बात, न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ व्हाट? वो पुरानी थ्योरीज वगैरह क्या बोल का गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो न्यूट्रॉन का तो चार्ज है ही नहीं, जो न्यूक्लियस पर चार्ज आएगा किसकी वजह से आएगा? प्रोटॉन की वजह से। कितना प्रोटॉन होगा लिखा हुआ है ऊपर पर, जेड प्रोटॉन। और जेड प्रोटॉन अगर होगा तो हर प्रोटॉन के लिए चार्ज कितना आएगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज तो सेम रहता है, तो अगर जेड प्रोटॉन है तो चार्ज कितना आएगा? जेड टाइम्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और बस फर्क क्या रहेगा, ये प्लस में आएगा। एक प्रोटॉन का चार्ज कितना बेटा? अगर Z प्रोटॉन है तो कितना चार्ज? इसको क्या बुलाते हैं? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो Z E लिख लिया उसको। ध्यान यही रहे, प्लस के साथ Z E लिखेंगे, प्लस के साथ Z E। ओके, प्लस Z E। वैल्यू इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज का लेना है, लेकिन साइन क्या लेना होगा? प्लस, क्योंकि वहां पर क्या बैठा है? प्रोटॉन। और यहां तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो यहां पर किसका चार्ज आएगा? इलेक्ट्रॉन का। ई लिख लो, हमें वैल्यू से मतलब है अभी फिलहाल। डन। नाउ सी दिस, वी नीड टू फाइंड दिस रेडियस। इसी को क्या बुला रहे हैं? रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट। ये रेडियस निकालना है, ठीक है ना? पिछली क्लास में हमने एक बेसिक टर्मिनोलॉजीज में एक चीज सीखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम कैसे लिखते हैं। लिखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। क्या होता था फॉर्मूला? एफ इक्वल्स टू, और पहले तो फॉर्मूला बताओ, के क्यू वन क्यू टू बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल और उसका स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब सबका वैल्यू पुट करो। फोर्स के तो कांस्टेंट हुआ करता था, इसका तो कुछ करना है नहीं, के ऐसे आएगा। क्यू वन, क्यू वन इज द चार्ज ऑफ वन ऑफ द स्पीशीज, तो अगर न्यूक्लियस का चार्ज देखे तो कितना है? जेड ई।
न्यूक्लियस का अगर हम चार्ज देखें तो कितना है, जेड ई। इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखें तो कितना है, ई। इधर बगल में ऐसे करके लिखना, क्यू वन का वैल्यू इज जेड ई, चार्ज टू का वैल्यू इज ई। और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस तो वही रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, फोर्स क्या आएगा, के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये बेसिकली हमने क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन पर कितना अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो लिखो इसको, क्या लिखा हुआ है, क्या निकाला आपने, अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक, उसके बाद फिजिक्स। फिजिक्स क्या बोलता है, एनीथिंग ट्रैवलिंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, कोई भी चीज अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसके उसमें क्या होगा, बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, दैट इज गिवन बाय व्हाट, एम वी स्क्वायर बाय आर। ये पढ़ा है आपने, हाँ। कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करेगा तो उसके ऊपर कैसा फोर्स लग रहा होगा, एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, इसका मतलब लिखो, क्या लिखा हमने यहां पर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अज्यूमिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अज्यूमिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेसिकली इसको हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं, रिपल्सिव फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ। ठीक है, नाउ देयरफॉर चूंकि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट से बाहर नहीं भाग रहा है तो अंदर का फोर्स और बाहर का फोर्स क्या होगा, इक्वल। बनाओ फिर से, तो ये अंदर की तरफ फोर्स और बाहर की तरफ फोर्स दोनों क्या होंगे, इक्वल। लिखो अंदर वाला फोर्स क्या आया था, क्या आया था, के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। लिखो बाहर वाला फोर्स क्या आया, एम वी स्क्वायर बाय आर। दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल। ये रहा आपका डेरिवेशन। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, टेढ़ा करके इसलिए लिखा ताकि मैंने फोर्स इधर बनाया ना, तो इधर इसको, इधर इसको। यहां तक समझ में आता है आपको, दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन। व्हाट इज इक्वेशन नंबर टू, व्हाट इज इक्वेशन नंबर टू, क्वांटाइज्ड एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। This is your equation number two. सारा आंसर इन्हीं दोनों को यूज करके आएगा। बगल ब्रैकेट में लिखो कहां से आए, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। चूंकि हमारा टॉपिक क्या है, फाइंडिंग ऑफ रेडियस है ना, रेडियस फाइंड कर रहे हैं ना, तो रेडियस अगर निकालना है तो यहां से v को एलिमिनेट करना होगा। v को एलिमिनेट करने के लिए फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम हियर, निकालिए v क्या है यहां से।
इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई आर और एम। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ वी इन इक्वेशन 1 करिए। KZ² R² MV² बाय R। सब्स्टिट्यूट कीजिए वी का वैल्यू, तो KZe² बाय R² इज इक्वल्स टू एम बाय आर इंटू V² वी स्क्वायर क्या आएगा एन एच 2 पाई आर एम का होल स्क्वायर। इसके बाद जो पहले आसानी से कट पिट जाए उसको निपटा देते हैं, ये आर गया और ये R² का 1 R गया। ठीक, देखो दो आसानी से पहले हो जाएगा उसको काट पीट देंगे ना बेटा। और इधर क्या बचेगा N² H² 2 पाई का होल स्क्वायर क्या देगा 4 पाई स्क्वायर R² इंटू M² इसके बाद मैथ्स है, केमिस्ट्री तो गया, केमिस्ट्री वहीं खत्म हो गया है ना लास्ट लाइन में, फिजिक्स और मैथ्स है उसके बाद, पूरा ही मैथ्स से आ गया। यहां तक आया, इसको उड़ाइए, ये आर है यहां R² है तो चला जाएगा एक आर, यहां एम है यहां M² है तो एक एम चला जाएगा। ठीक है, चूंकि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो क्या है फाइंडिंग ऑफ रेडियस, तो ये आर को लेफ्ट साइड ले आइए, ये आर को लेफ्ट साइड ले आइए और KZe² इसको पुठा उठा के नीचे N² H² 4 पाई स्क्वायर M KZe² ठीक है। काम की बात, काम की बात क्या है, इसको घेरिए और इसको घेरिए, यही काम में आने वाला है, बाकी का फॉर्मूला में याद रखना होगा। आर इज गिवन बाय, ध्यान से देखना इसको लास्ट में लिखेंगे, H² डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम के E² इंटू N² बाय सेट, यही ध्यान रखना है, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू N² डिवाइडेड बाय Z। ठीक है, N क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है ना, N इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, Z क्या है एटॉमिक नंबर। अब इसका वैल्यू 75 बार तो ये करते नहीं रहेंगे, एक ही बार लिखेंगे और उसके बाद डायरेक्ट यूज करेंगे, क्या लिखेंगे वो ये, व्हाट इज एच, लिखिए एच का वैल्यू क्या होता है, लिखिए मेरा चेहरा मत देखिए, एच इज व्हाट 6.626 इंटू 10⁻¹⁴ जूल सेकेंड। पाई भी बताना है 3.14। व्हाट इज एम, बोलिए एम क्या है, व्हाट इज एम देख के बताइए ना, एम क्या है, किसका मास, फोर्स किसके ऊपर लग रहा था,
अरे ये बार वाला फोर्स किसके ऊपर लग रहा था? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो एम वी स्क्वायर बाय आर में एम क्या था? इलेक्ट्रॉन का मास। यही होता है। तो एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हमने ऑलरेडी लिख रखा है 9.1 × 10⁻³-31 kg। What is the value of constant K? बोलिए K का वैल्यू क्या है? K Q1 Q2 R स्क्वायर में। नाइन इंटू 10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लर कूलम स्क्वायर। और E तो जानते ही है। What is the value of E? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो ये सारी वैल्यूज जब हम यहां पर रखेंगे तो आर क्या आएगा? 0.529 × 10⁻¹⁰ − 10 × n² / z यूनिट क्या आएगा? मीटर। यूनिट क्या आएगा? मीटर। और अगर हमें 10⁻¹⁰ को हटाना है तो 0.529 n² / z। एक मीटर कितना एंगस्ट्रॉम होता है? 10⁻¹⁰। तो यूनिट क्या आएगा? एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखिएगा यूनिट का, मीटर में नहीं निकाल दिया हमने रेडियस, क्या चीज में निकाला है? एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, डेरिवेशन है बेटा, इधर उधर खाली करना है, वैल्यूज रखनी है, उसमें क्या कर सकते। फॉर फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। कौन से एटम? हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम अगर लिया तो जेड का वैल्यू क्या होगा? 1। और पहला फर्स्ट ऑर्बिट ले रहे हैं तो एन का वैल्यू क्या होगा? 1। लिखना ये जरूर, यहीं पर लिख लेना ये, इसके नीचे, क्योंकि हमने फर्स्ट बोर ऑर्बिट लिया है तो दिस इंप्लाइज एन इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमने हाइड्रोजन एटम लिया है, दिस इंप्लाइज जेड इक्वल्स टू 1। एटॉमिक नंबर क्या होगा हाइड्रोजन का? 1। व्हाट विल हैपन? करो करो करो, फॉर्मूला में रखो। नाउ दिस एन इक्वल्स टू 1 और जेड इक्वल्स टू 1 के लिए दिस इज रिटन एज ए नॉट इन ये नोटेशन है। पहला फर्स्ट पावर ऑर्बिट इज रिटन एज ए नॉट, एंड हाउ इट इज कॉल्ड? क्या था इसको बुलाते क्या है? बोर्स रेडियस। अरे बोर्स रेडियस बाकी के लिए भी आएगा, लेकिन बोर्स रेडियस किसको बुलाते हैं हम? एन इक्वल्स टू 1 और जेड इक्वल्स टू 1 के लिए जो रेडियस आएगा उसे हम क्या बुलाते हैं? बोर्स रेडियस बोला जाता है। पहला में यही निकला होगा तो इसलिए वही नाम रख दिया गया। तो दैट्स व्हाई दिस फॉर्मूला, ठीक है, ये कौन सा दिस, ये दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो रिटन एज आर इज इक्वल्स टू ए नॉट टाइम्स n² / z एंगस्ट्रॉम।
लिख के नहीं देगा ए नॉट क्या है, क्या है ए नॉट? 0.529। क्योंकि आप देखो ना, ए नॉट का जो वैल्यू आपने निकाला है क्या चीज से निकाला है, एच। कोई भी आप ये ले लो, क्या बोलते हैं, आप लिथियम प्लस ले लो या बेरिलियम वाला ले लो, एच तो दोनों में सेम रहेगा, पाई का वैल्यू उसके लिए भी सेम रहेगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा थोड़ी ना होगा, लिथियम में इलेक्ट्रॉन का मास अलग और हाइड्रोजन में मास का अलग। उसके बाद के, ये भी कॉन्स्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो भी कॉन्स्टेंट है। तो कहने का मतलब है ये वैल्यू लिथियम प्लस हो हाइड्रोजन हो सबके लिए क्या आना है, सेम। दैट्स व्हाई दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज आर इक्वल्स टू ए नॉट इनटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। रेडियस कुछ पूछना है आपको, कैसे आया रेडियस? अगला वेलोसिटी देख लेना, बुक बुक में होगा ये सब मेरे हिसाब से, क्लास 12 के न्यूक्लियस वाले चैप्टर में। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट, तो कौन कौन सा दो इक्वेशन यूज करना है पहले तो वो लिखो। इक्वेशन वही चलेगा बेटा, आप याद हो जाएगा, 3-4 बार लिखेंगे हम। वेलोसिटी चूंकि निकालना है तो इस बार हमारी इक्वेशन में वेलोसिटी रहना चाहिए, तभी वेलोसिटी निकाल पाएंगे। ठीक तो सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे, आर एन एच अपॉन 2 पाई mv, पुट दिस आर इन इक्वेशन 1। पुट करने के पहले पहले तो ये उड़ाओ, फालतू में आर स्क्वायर क्यों करेंगे। ठीक है, फिर आर को उधर लेकर जाओ। ठीक है, यहां क्या आएगा, आर आर की जगह डायरेक्ट लिख दें आप एनएच अपॉन 2 पाई mv। चलो करो काटा पीटी करो, देखो क्या कट रहा है। कटापटी करो ना बेटा, मास दिखा, मास कैंसल आउट होते हुए। अच्छा वी स्क्वायर है, एक वी है तो एक वी चला जाएगा, और तो कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो चूंकि हमें वेलोसिटी चाहिए तो हम क्या करेंगे, एनएच अपॉन 2 पाई इधर बचा हुआ है तो 2 पाई अपॉन nh उधर हो जाएगा। के जेड ई स्क्वायर इंटू 2 पाई अपॉन nh विल गिव यू व्हाट, वी। फॉर्मूले के तरीके से लिख लेंगे, वी इज, सुनो सुनो, इसको इसको अलग लिखना है ना, आप जैसे वहां अलग लिखा था वैसे इसको अलग लिखना है। तो जेड बाय एन आखिरी में और 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन h जो बच गया वो एक साथ।
वैल्यूज रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगा इसका, 2.18 × 10⁻⁶ इंटू जेड बाय एन, एंड व्हाट विल बी द यूनिट, यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। ये रहा आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला। टू पॉइंट वन एट इंटू टेन रेस पावर सिक्स इंटू जेड बाय एन, वेलोसिटी का फॉर्मूला। यहां से दो चीजें दिमाग में रखनी है, वो क्या, आर इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, जेड स्क्वायर बाय एन, वी इज प्रोपोर्शनल टू जेड बाय एन, सॉरी एन स्क्वायर बाय जेड, ठीक करो। डन, नेक्स्ट, वेलोसिटी के बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इन बोर्ड्स ऑर्बिट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इन बोर्ड्स ऑर्बिट बताओ बेटा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आता है, टेल मी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू व्हाट, वन अपॉन टाइम पीरियड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, बोलिए, सर्कुलर ऑर्बिट में टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होगा। सर्कुलर ऑर्बिट में टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस क्या है, टू पाई आर। सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, बोलो बेटा सरकमफेरेंस को क्या लिखें, टू पाई आर, स्पीड को क्या लिखें, वी। ये क्या निकाला हमने, टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वन अपॉन टू पाई आर बाई वी, फ्रीक्वेंसी को क्या लिखेंगे हम, वन अपॉन टाइम पीरियड मीन्स टू पाई आर अपॉन वी, विच इज इक्वल टू वी अपॉन टू पाई आर। बोलो बेटा वी का फॉर्मूला बताओ क्या आया था, पलटो पन्ना पलटो, वी 2.18 × 10⁶ इंटू जेड बाय एन, उसके बाद टू पाई आर, टू पाई आर का फॉर्मूला बोलो, जीरो, अरे उसमें बोलना क्या बोलते हैं, 10⁻¹० वाले में है ना, क्या आएगा, एन स्क्वायर बाय जेड। चलो इसको ठीक करो, ठीक करने का मतलब है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद नहीं रखना होता है, ये जो वैल्यू है क्या है, कांस्टेंट रहेगा हर चीज के लिए है ना,
ये वैल्यू को यहां पर ऐसे करके डब्बा बना लीजिएगा, लिखने का जरूरत नहीं है। इनटू जेड ऊपर जाएगा तो जेड स्क्वायर, एन नीचे आएगा तो एन क्यूब, दिख रहा है ये? निकाल लेना ना वैल्यू क्या होता है, कोई जरूरत नहीं, ना कोई नहीं पूछने वाला। हमें फ्रीक्वेंसी का रिलेशन चाहिए, क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। ये चाहिए बस, और टाइम पीरियड का निकालना होगा तो क्या होगा? एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही पूछा जाता है। ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला है डब्बे में क्या आया, बाकी अगर आया तो घर पर जाना, कैलकुलेटर में डालना, जो आगे आंसर आया वहां लिख देना, ठीक है? फ्रीक्वेंसी हो गया। नेक्स्ट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, देयरफॉर टोटल एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी में ये तीन है टोटल, तो एक एक करके तीनों निकालना होगा। देखो एनर्जी के अंदर पहला काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इन बोर्स ऑर्बिट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? हाफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। लिखो पहला वाला फॉर्मूला, दो ही फॉर्मूला है ना, एनएच अपॉन टू पाई और एमवी स्क्वायर बाय आर वाला। लिखो पहला वाला फॉर्मूला, ये अपना इक्वेशन वन था, उसी दो से सब आएगा, ठीक है? उसी दो से सब आएगा। बोलो सिंप्लीफाई करने के लिए उड़ा दें इसको, बन गया देखो एकदम मस्त फॉर्मूला बन गया। काइनेटिक एनर्जी का एमवी स्क्वायर मिल गया हमें यहां पर, दिख रहा है? काइनेटिक एनर्जी के लिए तो एमवी स्क्वायर चाहिए, ऑलरेडी एक ही बार में मिल गया, क्या नहीं है? हाफ, दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, एमवी स्क्वायर है ना बेटा, ये तो चाहिए होगा ना काइनेटिक एनर्जी बनाने के लिए, बट क्या नहीं है? हाफ नहीं है, दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। हो गया, बड़ा आसान था ये। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर, और सीधे डायरेक्शन में फिर इसको लिख लेंगे। खत्म नहीं हुआ, आर का वैल्यू रखो,
ये वाला वैल्यू रखो आर का, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, यही है ना आर। आर कहाँ गया भाई? थोड़ा टाइम में लगेगा याद, मुझे भी नहीं कहाँ गया आर आर आर, कहाँ आर, वेर इज आर 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 आर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ठीक है। रखो और काटो पीटो, देखो क्या आता है, मेरे भरोसे थोड़ी बैठना है आप। के जेड स्क्वायर दो बार आएगा, ठीक है। मुद्दे की बात ये आया पहले, ये बताओ मुद्दे की बात क्या है। यहां देखो जेड, जेड पर फोकस करेंगे, जेड कितनी बार आएगा, जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर। एन कितनी बार आया, स्क्वायर, और बाकी जो आया उसका वैल्यू क्या रहेगा, सेम, हाफ से लेकर बाकी सब जो बच गया उसका वैल्यू क्या रहेगा, सेम। के का वैल्यू पता है, ई का वैल्यू पता है, फोर का पता है, पाई का पता है, एम का पता है, एच का पता है। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो दिस विल बी इक्वल्स टू 2.18 × 10⁻¹⁸। एक तो ये वैल्यू और दूसरा यूनिट जूल पर एटम, जूल पर एटम, ठीक है। और इसको करना है डब्बे में बंद, जूल पर एटम में तो यूज नहीं होगा यार, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज होगा। जूल को कन्वर्ट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कैसे कन्वर्ट करेंगे जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताइए। 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच, या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹। तो 1.6 × 10⁻¹⁹ से इसको डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो जाएगा, होना चाहिए मेरे हिसाब से। आगे तो आएगा तब देखा जाएगा। काइनेटिक एनर्जी आया, लिख लिया हमने, कैसे आया क्लियर है, खाली सब्स्टिट्यूशन इधर से उधर, दो ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उतनी देर से, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट, ग्रेविटेशन में पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखा देते, जी एम वन एम टू बाय आर, है ना। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, माइनस के क्यू वन क्यू टू बाय आर। ग्रेविटेशन में ऐसे निकालते थे ना, जी एम वन एम टू बाय आर निकाल के दिया था ना, और बोला था ना यहां पर भी वही यूज करेंगे। बाकी डेरिवेशन कैसे होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा जाएगा ये बाद में। पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय माइनस के क्यू वन क्यू टू बाय आर, क्यू वन क्यू टू का वैल्यू रखिए, माइनस के जेड ई इंटू ई
बाय आर विल गिव यू व्हाट, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। ठीक है, उसके बाद वही R इज इक्वल्स टू ये वाला एन स्क्वायर एच स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, माइनस टाइम्स समथिंग और समथिंग के बाद जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। वो समथिंग क्या आएगा वो भी देखते हैं। देखो ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी क्या लिखा हमने बेटा, बताना पीछे से देखकर। काइनेटिक एनर्जी क्या लिखा, हाफ के जेड स्क्वायर बाय आर, ये लिखा हमने काइनेटिक एनर्जी। इधर देखो, माइनस साइन हटाओ, ये क्या लिखा हुआ है, के जेड स्क्वायर बाय आर, ये क्या लिखा हुआ है, के जेड स्क्वायर बाय टू, है ना, के जेड स्क्वायर बाय टू यही लिखा हुआ है। तो क्या हम इसको ये बोल सकते हैं, माइनस टाइम्स हाफ ही है ना काइनेटिक एनर्जी, हमें तो ये वैल्यू चाहिए ना। तो अगर ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, टू टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस टू टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। लिखो इसको, वेट कीजिए, बाहर वेट कीजिए, माइनस टू टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। के जेड स्क्वायर आर का वैल्यू अगर काइनेटिक एनर्जी से निकाले तो क्या होगा, टू टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। एक माइनस पहले से पड़ा हुआ है तो माइनस टू टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना आया था, देखो जरा, 2.18 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर तो हमने ऑलरेडी लिख रखा है, किसको डबल करना होगा, इसको डबल कर दीजिए, डबल 4.36। वैसे कोई नहीं पूछने वाला, ये पता होना चाहिए। जूल पर, क्या ध्यान रखना है, पहला तो ये, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और दूसरा ये पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस टू टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। अरे एक ही फॉर्मूला याद करेंगे ना बेटा, 75 बार थोड़ी ना याद करते रहेंगे, काइनेटिक एनर्जी का याद रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। या पोटेंशियल एनर्जी मान लो वैल्यू लेके दे दिया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा 5 10 बाय 2 निकल जाएगा। तो 75 फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है बस। ये बीच वाला याद रहे नहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वाला याद रहना चाहिए बस, 2.18 इंटू 10 रेस पावर माइनस 18। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस टू टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, और इसी को क्या लिखा जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी बाय दोनों साइड्स। तो दूसरा हो गया, थर्ड
थर्ड ये अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास क्या होगी? टोटल एनर्जी निकालना, यहां से करेंगे। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट। बेटा ये सब घर जाकर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं बनेगा, एकदम एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सारा डेरिवेशन दिमाग में होना चाहिए और फाइनल रिजल्ट्स जो है वो दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको सारा डिराइव करके दिया। ठीक है, डेरिवेशन बहुत जगह छोड़ देते हैं, नहीं कराते हैं, फॉर्मूला लिखाते जाते हैं रट्टा, उससे तो होने जाने से रहा। क्यों आया, मैंने सब आपको यहाँ पर लिखे थे। चलो डन, जा सकते हैं आप।